नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका बहुत स्वागत है। 272 से सिमटकर 250 हो चुके दिल्ली के वार्डों पर हर राजनीतिक दल की नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा फिर से दिल्ली नगर निगम पर अपना कब्जा जमा पाती है, या दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी भाजपा से छीन कर नगर निगम को अपने कब्जे में कर लेगी, या फिर दोनों को परास्त कर कांग्रेस एक नई गाथा गढ़ेगी। यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली नगर निगम को जीतने के लिए तीनों ही दल कौन सी रणनीति अपना रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। साथ ही आपको चुनाव और नतीजों की तारीखों से भी रूबरू करवाएंगे, बताएंगे कि इस बार कितने मतदाता मतदान करने वाले हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे थे, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार का नगर निगम चुनाव कूड़े के ढेर पर होगा। यहीं पर केजरीवाल ने यह भी कहा था कि जब भाजपा से पूछो कि 15 साल में आपने दिल्ली को क्या दिया, तो वो कहते हैं कि तीन बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ और पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी के साथ अपने मैनिफेस्टो में कूड़े के मुद्दे को सबसे प्रमुख रखा है और कहा है इसे खत्म करने के लिए लंदन और टोक्यो से एक्सपर्ट बुलाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की करीब 80% सड़कें टूटी दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से बरसात में जलजमाव का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही मलिन बस्तियों में सीवर की बड़ी समस्या तो है ही। आम आदमी पार्टी के पास सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का मजबूत चेहरा है और फिर वार्डो में पार्टी का तेजी से विस्तार हो रहा है। साथ ही इनके कार्यकर्ताओं की वोकल रहते हुए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत इन्हें चुनाव में मजबूत कर रही है। हालांकि यमुना नदी की सफाई, बसों की कमी, गंदे पानी की समस्या और प्रदूषण के मुद्दे पर किए गए आप सरकार के वादे पूरे नहीं होना आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ा सकता है। भाजपा की बात करें तो इनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, साथ में बड़ी बड़ी इलेक्शन मशीनरी और देश में चुनाव लड़ने का अनुभव है। वहीं भाजपा ने जिस तरह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में घेरा है, ये भी बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, सभी वर्गों में स्वीकार्यता नहीं होना, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मियों की सैलरी पर संकट आना पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। बात कांग्रेस की करें तो 2007 के बाद से ये दिल्ली में अपनी पकड़ पूरी तरह से खो चुके हैं। ऐसे में शीला दीक्षित के नाम का इस्तेमाल करना और 250 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 1000 से ज्यादा आवेदन आ जाना बताता है कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। इसके अलावा कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष पद संभालना और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों में जोश भरना भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार से लेकर दिल्ली में अव्यवस्थित चीजों के लिए भाजपा और आपको घेरने के लिए पूरा मौका है। हालांकि पार्टी की खंडित एकता और बड़े बड़े नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना लोगों के जहन में बैठा हुआ है, जिसका खामियाजा पार्टी को भरना पड़ सकता है। वहीं बात वामदलों की करें तो करीब 20 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें से CPIM 7, CPI 5 और CPIML 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है। आपको बता दें कि साल 2017 के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 272 वार्डों में से 181 में जीत हासिल कर ली थी। आम आदमी पार्टी ने 48, कांग्रेस ने 30 और अन्य के खाते में 13 सीटें गई थीं। वहीं 2012 के नगर निगम चुनाव में भाजपा ने 138, कांग्रेस ने 77 और अन्य ने 57 सीटें जीती थी। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन MCD के चुनाव सिर्फ 68 विधानसभा सीटों पर होने हैं, क्योंकि दिल्ली कैंट और नई दिल्ली विधानसभा नगर निगम के दायरे में नहीं आती। पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2011 में इसे तीन भागों में बांटकर दक्षिण, पूर्वी और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित सरकार का तर्क था कि दिल्ली काफी फैल चुकी है, ऐसे में एक ही नगर निगम की बजाय अगर उसे विभाजित कर दिया जाए तो स्थानीय स्तर पर बेहतर कामकाज होगा। हालांकि अब भाजपा ने एक बार फिर तीनों नगर निगमों का एकीकरण कर 250 वार्ड कर दिए हैं, यानी 22 वार्ड घटा दिए गए हैं। परिसीमन के बाद दिल्ली में वार्डों की संख्या 250 हो गई है, जिसमें SC के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 42 है। इस बार मतदाताओं की बात करें तो चुनाव आयोग के अनुसार 1,46,73,847 मतदाता हैं, जिसमें 79,86,705 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 66,86,081 महिला मतदाता हैं। जबकि ट्रांसजेंडर मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 1,061 है। दिल्ली में नगर निगम चुनावों की तारीख 4 दिसंबर यानी रविवार के दिन तय की गई है, जबकि इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनाव में जिस तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही है,
ऐसे में इसके नतीजे आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव की भी तस्वीर साफ कर सकते हैं। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारी हिंदी और अंग्रेजी वेबसाइट को पढ़ते रहें। धन्यवाद।